नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं अगला वीडियो। संविधान प्रश्नों के द्वारा की श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रश्नों के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस अनुच्छेद के कानून के समक्ष समता का अधिकार कानून के समक्ष। दोस्तों इसको आप इस प्रकार समझिए, मान लीजिए टाटा बिरला अंबानी या फिर कोई इस स्तर के जो बड़े लोग हैं, वो कानून के समक्ष कोई एक अपराध के लिए और आप उसी अपराध के लिए, दोनों ही लोग बराबर हैं, ऐसा आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 ये बताता है कि कानून के समक्ष, या फिर इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि विधि के समक्ष यानी लॉ एंड ऑर्डर, विधि यानी कानून, समता विधियों का समान संरक्षण। यानी उसको आपको उसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि किसी भी अमीर या किसी भी अन इन्फ्लुएंसियल या कोई नेता को जो प्राप्त होगा, वही आपको भी लॉ और कानून के आगे आप दोनों को ही एक ही तरीके से देखा जाएगा दोस्तों, इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 14 हमें कानून के सामने अधिकार प्राप्त है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कानून के समक्ष। दोस्तों अगला एक और प्रश्न दोस्तों देखिए, यह है दोस्तों धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशोध प्रतिरोध प्रतिषेध विभेद विभेद का प्रतिषेध हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? यानी धर्म के आधार पे कोई आपसे भेद नहीं किया जाएगा। इसका उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 15, इसी पे पिक्चर बनी है दोस्तों आर्टिकल 15। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 15 बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान, सिर्फ धर्म ही नहीं दोस्तों, मूल वंश मान लीजिए कि आपका मूल वंश जो है वो अफ्रीका के निवासी थे आपके पूर्वज लोग, मगर आप भारत में बस गए हैं, भारत की नागरिकता आपको मिल गई है, तो आपको उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपकी कोई भी जाति रही हो, अगड़ी पिछड़ी अनुसूचित, ठीक है, उस आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका कोई भी लिंग हो, स्त्री हो पुरुष हो या फिर थर्ड जेंडर हो, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जन्म स्थान आपका कोई भी हो, आप उत्तरी में पैदा हुए हैं, दक्षिणी में पैदा हुए हैं, पहाड़ी हो, कैसे भी हो, आप इस आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध किस आधार पे आपको आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमने जाना था आर्टिकल 14 से 18 जो है वो है समता के अधिकार, समानता के अधिकार। तो दोस्तों और भी देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी समान अवसर दिए जाएंगे सभी को, उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अछूत, अछूत, जिन्हें अछूत जो होता है अस्पृश्यता, इसका अंत कर दिया जाएगा, अंत कर दिया गया है संविधान में। हमारे लोगों के दिमाग में कितना अंत हुआ है ये हमें जानना होगा समाज में जाके, यानी कि कोई अनटचेबल नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, सब लोग बराबर, कोई अछूत जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसा हमारा संविधान कहता है और अधिकार देता है ये, कि कोई आपके साथ ऐसा करे तो आप कानून में जाएं, कोर्ट में जाएं, वहां आपको न्याय मिलेगा। और दोस्तों आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यानी कि आप कोई उपाधि धारक हैं, इससे आपको कोई विशेष वो नहीं मिलेगा, भले आप जैसे मान लिया आप भारत रत्न हैं, परंतु आप कोई गलत काम में पाए जाते हैं तो उस आधार पे आपसे कोई वो नहीं दिया जाएगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने जाना आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। धन्यवाद दोस्तों।